नंबर 51 से आप चुनाव मैदान में हैं, लेकिन आपकी माताजी वर्तमान में प्रधान थी हैं, तो क्या वार्ड नंबर 51 से जो चुनाव का आपने बिगुल बजाया और आपका 26 अप्रैल को चुनाव है, आज आप जनसंपर्क में हैं, तो क्या लग रहा है ये कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए नहीं? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ कि कोरोना में चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले जनमानस जरूरी है। चुनाव तो होता रहेगा, जब हम जिंदा रहेंगे तभी वोट करेंगे। अगर वोट हो रहा है, चुनाव हो रहा है, तो उसमें सब अपने को सुरक्षित रह के मतदान का सकुशल प्रयोग करें, क्योंकि ये पर्व है, सबको मौका मिलना चाहिए। नहीं तो फिर आप लोग सोशल डिस्टेंस का और कोरोना काल में कैसे बचने का प्रयास कर रहे हैं? मास्क, सैनिटाइजर और सबसे अपने को बचाते हुए, सबको बचाते हुए और वोट के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। अच्छा, जनसंपर्क का क्या रूटीन है, कैसे दिनचर्या है, क्या कर रहे हैं? सुबह के समय 7:30 बजे हम लोग निकल जाते हैं किसी एक क्षेत्र में, और वहाँ से डोर बाई डोर सबकी समस्या, सबका साथ सुनते अपनी वेदना, अपना रिक्वेस्ट सबके पास पहुँचाते हुए और वोट मांगने का काम करते हैं सर। अच्छा, बड़े नेताओं का आपने पोस्टर में फोटो लगाया, उनकी क्या भूमिका है आपके चुनाव में? किसी बड़े नेता का पोस्टर नहीं है, फोटो नहीं है। बड़े नेता आम जनमानस है, नेता जनता ही है और जनता ही नेता बनाती है। अच्छा, मेरा अंतिम सवाल है कि आपके वार्ड में कितने गांव हैं? 11 गांव हैं। अच्छा, मतदाताओं की संख्या क्या है? 2200 के आसपास है। अच्छा, मतदान को लेकर आप पूरी सक्रिय हैं? जी जी। आप चाहते हैं चुनाव हो? जी। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर जी।